वहीं दूसरी ओर शुक्रवार को पावर हाउस भिलाई रेलवे स्टेशन पर एक बार पुनः गौमांस की तस्करी करते हुए एक व्यक्ति को जीआरपी पुलिस और रेलवे विभाग के टीटीई की मदद से पकड़ा गया है। भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर उस समय गहमा गहमी का माहौल हो गया जब एक व्यक्ति ऑटो में भरकर गौमांस की तस्करी करता हुआ पकड़ा गया। इसे जीआरपी पुलिस और रेलवे विभाग के टीटीई की मदद से पकड़ने में सफलता मिली है। गौमांस की तस्करी करने वाले दो व्यक्ति थे जिसमें एक का नाम भागवत चामलाते आमगांव का निवासी है, वहीं दूसरा मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। इस गौमांस तस्कर को रेलवे विभाग की टीटीई पीसी यादव, जीआरपी पुलिस टीम के सलीम अहमद और रविंद्र सेठी की मदद से पकड़ने में कामयाबी मिली है। इसकी खबर जैसे ही शिवसैनिकों को लगी तो शिवसैनिक भी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति को लेकर आक्रामक रुख अपनाने लगे। इसी बीच जीआरपी पुलिस ने गौमांस तस्कर के पास से 5 पीले रंग के बड़े थैलों में रखे हुए गौमांस को जब्त किया और गौमांस तस्कर को लेकर रेलवे पुलिस भिलाई कार्यालय से जीआरपी थाना भिलाई 3 की ओर रवाना हुई। मौके पर मौजूद शिवसेना के पदाधिकारियों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया इस परिप्रेक्ष्य में मीडिया को दी है और चेतावनी दी है कि यदि शासन प्रशासन ऐसी तस्करी को रोक पाने में नाकामयाब हो रही है तो शिवसैनिक अब खुद सड़क पर उतरेंगे और ऐसे गौवंश तस्करों को सजा देंगे। इसके पूर्व भी भिलाई नगर स्टेशन में ही एक और गौमांस तस्कर पकड़ा गया था, परंतु इस बार गौमांस की मात्रा काफी ज्यादा थी। शासन प्रशासन को समझना होगा कि आखिर इसके पीछे किन लोगों का हाथ है जो बाहरी शहरों और राज्यों से गौमांस भिलाई क्षेत्र में मंगवा रहे हैं और इसकी खपत करवा रहे हैं। इस थैले में कुछ सामान है तो उसके बाद जीआरपी वाले पकड़े हुए थे। 5 थैला था पीले रंग का और हर थैले पे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर लगा हुआ था। तो हमको शंका ये गाय का मटन है क्योंकि जैसा मटन लाया 5 किलो, मतलब कम से कम 2 से 2.5 क्विंटल माल होगा, वो उससे कम माल नहीं है। क्योंकि अगर 1 किलो हो 5 किलो आदमी अगला उठा लेगा, एक एक आदमी ऐसा उठा रहा, ये 2 आदमी आए थे और हाँ उसके बाद एक आदमी भग गया, जीआरपी दौड़ाई भग गया, लेकिन बाकी जीआरपी पकड़ लिए उनको और उनको अभी विधायक थाना ले गए हैं। अब पुलिस की कार्रवाई क्या करते हैं उसकी जानकारी नहीं हमें। अभी हम चाहते हैं ये जो असामाजिक तत्व लोग हैं जो हमारे विधायक शहर को आसान चार करना चाहते हैं उसे पर्ची में लगाया जाए, रोक लगाया जाए। अगर दोबारा वो माल आएगा तो हम खुद पकड़ेंगे। इसके पहले भी हमने पकड़ चुका गाय का मांस है ना, जो यहाँ होटल थी वहाँ जाता था मांस, उसने स्वीकार किया। उसमें जो मुसलमान थे, जो ये भी हिंदू बन गए अपने मुसलमान भग गया वहाँ से, तो वो जो है गाय का जो मटन है, हमें शंका पूरे गाय का ही मटन है वो, उसको बोलने कुछ नहीं होता। क्यों ये बोलता है, मैंने उससे पूछा तूने कटते देखा क्या गाय का सुअर का है, बोले नहीं हमने कटते नहीं देखा। तो हमें शंका लगा कि छोटा पीस था, जब ये बड़ा पीस थे तो वो गाय का ही मटन लगा हमें। अब वो निरीक्षण परीक्षण पुलिस जीआरपी करेगी और मुझे लगता है शंका कि कहीं ऐसा ना इस मामले को ही दफना दिया जाएगा। आज तक कितने अपराध, कितने फुटेज जांच चली है, कितना जांच चली बताइए मेरे को, या कौन अपराधी पकड़ा गया निकलने के बाद? नहीं आज जो रेलवे बात करती बड़ी बड़ी, ये तो पूरा पैक क्यों नहीं करती है, जो रास्ता उसको पैक करना चाहिए ना। तो कैसे होता काम, अगर ये बालक आके नहीं बताया मुझे, नहीं देखता मैं तो हो गया था काम। अगर ये बालक आके नहीं बताया मुझे, मन आता तो आज निकल जाता हूँ। तो हमें शंका है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है इसमें। अभी हम लोग को थोड़ी देर पहले सूचना मिला था कि अपने रेलवे स्टेशन पावर हाउस में कुछ 2 लोग गाय का मटन लेके जा रहे थे, जिसको एक भाई ने अपना देखा कार्यकर्ता था जो, हमारे जिलाध्यक्ष केशवानी जी को बताया और उनके द्वारा हम लोग को सूचना मिला तो हम लोग दौड़ते हुए यहाँ पहुँचे पूरे कार्यकर्ता। उसके बाद जीआरपी ने पकड़ी और एक भग गया, एक को पकड़ के थाने ले गई है। हमारे ये कहना है जब वो बार बार आ रहे हैं, एक बार और पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है पावर हाउस स्टेशन में जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ था और रेलवे हमेशा क्या करती है, बात को यहीं पर दबा देती है। मेरा रेलवे से ये कहना है और जीआरपी पुलिस ये कहना है कि इस मामले को निष्पक्ष जांच करे, जो भी इसमें जितने लोग इसके मतलब इसका जो ग्रुप है इसको तुरंत पकड़े और कार्रवाई करें इनके ऊपर। और हमारी शिवसेना पार्टी बोलती भी है कि जो गौ हत्या करते हुए पकड़ा है या गौ मांस खाते हुए पकड़ा है या उसको प्रवाहन करते हुए पकड़ा है उस पर 302 धारा का मुकदमा तुरंत दायर हो, वो होना चाहिए। मैं जीआरपी और रेलवे दोनों से मांग करता हूँ। और ये जो लोग बोलते हैं असामाजिक तत्व के लोग जो बजरंग दल के फलाना आते हैं और गरीबों को मारते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कहाँ आज आपका हिंदुत्व, कहाँ गए बीजेपी के शेर जो आज गाय हमारे यहाँ से निकल गए, एक भाग्य कहाँ गए लोग? मैं यही प्रार्थना करता हूँ और विनती भी करता हूँ आप लोगों से। अभी हम आवेदन निवेदन कर रहे हैं, अगर बात यहाँ तक नहीं हुई तो फिर हम धनाधन करने के लिए तैयार हैं। हम खुद पकड़ेंगे, खुद मारेंगे, फिर जीआरपी और रेलवे कुछ नहीं बोलेगा हम लोग को, ये मैं बताना चाहता हूँ इस मीडिया के माध्यम से। नॉर्मल धाम पे हम उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम होगा, नेशनल हाईवे को जाम करेगी शिवसेना, ये आपसे वादा करता हूँ मैं। अगर आज के 302 नहीं लगा तो चक्का जाम करेंगे शिवसेना के कार्यकर्ता और एक एक शिवसैनिक आएंगे रोड पे, और जिसके यहाँ माल जा रहा है उसको भी सूचना लो, उसको ऊपर।
मेरा ये मांग है जीआरपी से और रेलवे प्रशासन से, आम गांव से आए, हमको सूचना मिल चुका है और उनके बाद कौन का नंबर लगेगा धीरे धीरे थाने में। अभी हम जीआरपी थाने ही जा रहे हैं, जस्ट कार्रवाई की मांग करना है। गौ मांस तस्करी करने वाला आरोपी आम गांव से लगभग 1.5 क्विंटल गौ मांस लेकर भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन पर उतर गया था और फिर उसे ऑटो में भरकर गंतव्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, परंतु इसी दौरान जीआरपी पुलिस की तत्परता और रेलवे विभाग के टीटी के द्वारा दिए गए जानकारी से इस तस्कर को पकड़ने में सफलता मिली। जीआरपी थाना भिलाई 3 के थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी मीडिया को दी है। पावर हाउस रेलवे स्टेशन में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर के निर्देशन में चेकिंग किया जा रहा था। चेकिंग के दौरान ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म में आकर रुकने पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 5 थैले में आगे की ओर गौ मांस लेके उतरे हैं कि सूचना पर तस्दीक किया गया। 5 पॉलीथीन थैला में पैकिंग किया हुआ गौ मांस था, इसमें एक आरोपी पकड़ा गया। पूछताछ करने पर आम गांव से पावर हाउस स्टेशन लाना और पावर हाउस स्टेशन लाकर उतारने के बाद में कोई भी उसको ले जाने के लिए आता, ये मतलब उनके द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ। इस पर पूछताछ किया गया तो उसने अपना नाम भागवत चामलाटे, पिता विष्णु चामलाटे, निवासी आम गांव का रहना बताए। आरोपी का कृत्य धारा 8 धारा 10 छत्तीसगढ़ कृषि पशु परीक्षण अधिनियम 2004 के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। इसमें कितने आरोपी थे? हाँ, पूछताछ में इसमें 2 आरोपी का आया है। एक आरोपी पुलिस को देखकर भाग गया और एक आरोपी पकड़ा गया है। इसे पूछताछ में 2 आरोपी का इसमें आया है, जिसके दूसरा आरोपी का भी तलाश किया गया। लगभग कितने का होगा मांस वितरण? इसमें पूछताछ में अनुमानित कीमत 26,600 का बताया है और टोटल 1 क्विंटल 48 किलो पाया गया है। भिलाई के बाहर राज्यों से गौ मांस लेकर आना कोई नई बात नहीं है, इसके पूर्व भी ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिली हैं। जरूरी होगा कि शासन प्रशासन इस पर सख्त रवैया अपनाते हुए इन तस्करों के सरगना को पकड़े और ऐसे कृत्यों पर पूर्ण विराम लगाया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।